हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निकिता। आज हम बनाएंगे हेल्दी रेसिपी सूप। अगर आपको एनीमिया की तकलीफ़ है, यानी कि खून की कमी है, या बॉडी में इम्यूनिटी पावर आपका वीक है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की तकलीफ़ है, तो ये सूप का सेवन ज़रूर से करें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, काफ़ी कम इन्ग्रीडियंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं वेजिटेबल सूप। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले कुकर में हम डाल देंगे कैरेट, बीटरूट, टमाटो, इसे आप पील कर कर डालें। देन इसमें डाल दें पालक, धनिया पत्ता भी हमारा ब्लड जो है काउंट बढ़ाने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, अदरक, एंड इन दी एंड इसमें डाल देंगे नमक। ये मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ, सेंधा नमक से हमें बीपी का प्रॉब्लम नहीं होता। एंड इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और वेजिटेबल्स को बॉईल करने के लिए रख देंगे। एंड फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। मैंने ये एक बॉटल पानी ले लिया है, यानी कि करीबन दो ग्लास पानी हम ऐड कर देंगे। एंड फिर अभी इसे विसल लगाने के लिए रख देंगे। थ्री विसल्स तक वेट करेंगे हम। थ्री विसल्स लगने के बाद कुकर को खोल कर देख लेंगे। ऑलराइट, तो अब हम कुकर खोल कर ये देख रहे हैं कैसी अब इसकी पोजीशन है। ये देखिए, जो सब्जी हमने की थी वो अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब हम इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे, लेकिन आप इसे पहले कुछ देर 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर ही हम इसे ब्लेंड करेंगे। अब इस तरीके से हमें ग्राइंड करना है, पूरा ग्राइंड कर दें आप। तो ये देखिए, अब ये हमने ब्लेंड कर हो गया। अब हम इसे एक बार सिम पर वापस से कुक कर लेंगे। तो ये देखिए, अब सूप बनने की पोजीशन पे है। पूरी वेजीज जो है अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब इसकी थोड़ी सी हमें कंसिस्टेंसी अगर थिक करनी है तो हमें इसे सिम पर कुक करना है। आप चाहें तो कुछ वेजिटेबल्स अपने चॉइस की और डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। लाइक आपको अगर बीटरूट का ही बनाना है तो स्पिनैच को आप स्किप कर दें, या तो बीटरूट स्किप कर दें। वॉट एवर यू लाइक, वॉट एवर यू आर कम्फर्टेबल इन। तो बस अब हम वेट करेंगे इसके थिक होने का थोड़ा सा। ये बन चुका है, अब मैं इसे सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर दूंगी। ये सूप बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें लेमन डाल देंगे। लेमन से क्या है, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और लेमन भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ऑल राइट, तो ये देखिए बनकर रेडी हो गया है हमारा बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल सूप। जी हाँ, इसका ज़रूर से सेवन करें। अगर आपके घर पे किसी को कॉन्स्टिपेशन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, कुछ तकलीफ है या खून की कमी है, तो ये सूप का ज़रूर से सेवन करें। बहुत ही इजी है बनाना। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कि कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे ऐसी और हेल्दी रेसिपीज आपके लिए ले आने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, निकिता आहूजा, बाय बाय।